कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर को लॉकडाउन करना पड़ा और देश को लॉकडाउन किया तो सभी के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडराने लगा, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि प्रवासी मजदूरों का संयम खत्म हो चुका है। अब वो पैदल या किसी भी साधन से अपने घर के लिए निकल पड़े हैं, जिनकी हालत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अब देखी नहीं जा रही। एक तो चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से भूखे पेट इन प्रवासियों का अपने घरों के लिए निकलना सीएम योगी आदित्यनाथ के दुख का कारण बन गया है। इसलिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने और उनको असुरक्षित वाहन पर सवार होने से रोक दिया है। इन लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और इनको सही सलामत घर पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग की और बिना राज्य आधारित नागरिकता के भेदभाव किए मजदूरों की सुविधा सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। यानी कि जिन मजदूरों को पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों ने उनके हाल पर ही छोड़ दिया था, उनके लिए सीएम योगी का श्रम योगी अवतार एक मिसाल बनकर उभरा है। मजदूर भी सीएम योगी की तारीफ करते थक नहीं रहे और सीएम योगी के इस नेक काम में उनकी सारथी बन गई है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस सारथी बनकर सीएम योगी के दिए गए निर्देशों पर काम कर रही है। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को पुलिस रोक रही है, उन्हें खाना खिला रही है और फिर उनके घर जाने की व्यवस्था कर रही है। प्रवासियों के मुताबिक 2 महीनों में जिन राज्यों के विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया, वहाँ के लोगों ने भी इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई जितनी उत्तर प्रदेश की परदेसी पुलिस दिखा रही है। मजदूरों का तो यहाँ तक कहना है कि पहले जो पुलिस ट्रक से वसूली किया करती थी, वो उन ट्रकों को रोककर प्रवासियों को उतार रही है, खाना खिला रही है, उसके बाद ऐसी बस से भेजने का भी इंतजाम कर रही है जो बस किराया ही नहीं ले रही। लेकिन मजदूरों को दुख इस बात का भी है कि जिन राज्यों की सरकारों को उन्होंने अपना कीमती वोट देकर चुना, वही राज्य सरकारें संकट के समय में उनसे मुंह फेर रही हैं। इधर उधर भटक रहे, अपने घर जाने के लिए व्याकुल हो रहे प्रवासियों की नजर में योगी बेस्ट सीएम हैं और किसी भी सीएम के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि दूसरे राज्यों के लोग भी उन्हें बेस्ट सीएम बता रहे हैं।